आगे जावे जी सर ओ बिना जी ओके ठीक है मुक्ता जी ठीक है सर आइए आइए सर जी आपका आपका मास्टर लेने जाएगा सर पहले तो बोल जी और आगे अरे जब तक करके आ रही है ना सिर्फ फोन करेंगे
चलिए प्रकाश जी लहरे यस ऑडियो देखना ऑडियो गाने सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, क्या विषय है, क्या टाइटल है और क्या किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम, मैं शिखा चौबे। इस फिल्म का टाइटल है पुलिसगिरी और इसमें राइटर है मिस्टर विजय साहनी जी, डायरेक्टर है धीरज ठाकुर जी और जो इसमें कैरेक्टर है हीरो जो है वो राजू सिंह माही जी हैं और उनके अपोजिट में है प्रियंका पंडित जी और मैं इसमें हूँ, एक किरदार में हूँ। तो आपके नाम जानना चाहूँगा कि इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया और कौन से प्रोजेक्ट में काम करने जा रही है, उसके बारे में बताइए। इससे पहले मैं दो तीन पिक्चर में काम कर चुकी हूँ। मैं सामने देख रही हूँ, लाइट में देखिए इधर सामने। इससे पहले मैं दो तीन पिक्चर में काम कर चुकी हूँ, इसमें कितना है दम, हीरो वर्दी वाला और कुछ सीरियल्स वगैरह भी किया और अभी मेन एक्ट्रेस मेन लीड में दुल्हनिया लंगर वाली किया है। तो आज के दौर में जो भोजपुरी फिल्में बन रही हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना अच्छा लगता है या कितना आराम महसूस करती हैं एक अभिनेत्री के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में, सुरक्षित महसूस करती हैं कहने का मतलब? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करेक्टर चूज करते हैं। हर तरह का करेक्टर होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रहा सवाल की सब बोलते हैं कि भोजपुरी जो होता है तो कहीं तक कि अच्छा भी होता है, कहीं तक कि गलत भी होता है, बट तो मैं तो मानती हूँ कि वो बहुत अच्छा होता है। वो करेक्टर के हिसाब कैसा आपका राइटर है, राइटिंग के हिसाब से भी होता है, आप जैसा राइटिंग जैसा ये उसके हिसाब से होता है। और शिखा जी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, किसके साथ काम करने की तमन्ना रखते हैं आगे चल के भविष्य में? ऐसे तो मैं अभी तक दिनेश लाल यादव जी के साथ काम कर चुकी हूँ, रमेश जी के साथ काम कर चुकी हूँ और भी हीरो हैं जिनके साथ काम कर, लेकिन पवन जी के साथ। चलिए पहले परिचय दीजिए, नाम बताइए और बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में गाना गा रही हैं आप, ये कौन सा गाना, क्या सिचुएशन है? गाने का मूवमेंट जो है बहुत पहले परिचय दीजिए, नाम बताइए। आई एम सिंगल और इस गाने का बहुत अच्छा शब्द है, फीलिंग है इस गाने में, होना चाहिए गाने में, बहुत अच्छा रोमांटिक सीन है इस गाने में और अच्छा लगा मुझे गाना गाने में। तो कृति कब से आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और जो भी काम किया आपने, जो भी गाना गाया है कुछ बताइए, वैसा मशहूर गाना हुआ है आपका जो लोगों के जबान पर हो? ये गाना है अर्जुन से गए हुआ है जो अभी भोला जी भंगिया नो हम साई हो भोला जी भंगिया, ये गाना है जो अभी चल रहा है आसिम से और मूवी जो पुलिस गिरी आप देख रहे हैं जो भी आने वाली है उसमें हम आएंगे और उसमें हम गाना मौका मिला हमको गाना गाने का और अच्छा लग रहा है यहाँ पे शूट पे। तो भोजपुरी फिल्म में गाने गाने का क्या मतलब आपको आकर्षण किया कि भोजपुरी फिल्म में गाना गाना है? देखिए कुछ लोग इसको गलत मूवमेंट भी करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मूवी भी जो होता है इसमें अच्छी सीख भी मिलती है, गलत लोग गलत तरीके से लेते हैं और अच्छे लोग अच्छे मूवमेंट भी उसमें सीखते हैं, हम तो हमारे मायने से अच्छी कैमरा लोग देना प्लीज चल। सबसे पहले परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म कर में, क्या रोल निभा रही हैं इस फिल्म में? मैं भी इस फिल्म में हीरोइन की बहन का रोल निभा रही हूँ। और पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम आशिका पांडे और मैं इस फिल्म में बहन के रोल का निभा रही हूँ। आशिका जी कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया आपने इससे पहले? इससे पहले मैं बिकॉज फ्रेशर हूँ तो अच्छा। और किस तरह की अभिनेत्री बनना चाहेंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे कि और भी कोई सपना है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी में ही, पर ये एक हर स्टेप हम लोग लेते हैं ना अच्छा। तो ये एक स्टेप है जो मेरे को मतलब सक्सेस के थ्रू लेके जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी हो या भोजपुरी हो, सेम होता है एंड आपका काम काम।
और कोई रोल बाकी है ब्रदर? मैंने तो वैसे ही मारा था तुक्का चार। चलिए चलिए कैमरा लुक दीजिएगा मैडम। सर एक मिनट, एक पहले नाम बताइए ना। आनंद जी नाम बताइए। तो खड़े ही हुए ना साथ। चलिए सर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या रोल निभा रही हैं और कितने उत्साहित हैं इस रोल को लेकर आप? पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुस्कान है और यहाँ पर मैं आई हूँ मतलब भोजपुरी है। तो मेरे सिस्टर है जो हीरोइन है, उनकी सिस्टर का रोल निभा रही हूँ और आगे भी क्या क्या रोल मिलने वाला वो पता नहीं है। मुस्कान जी पहली फिल्म है या पहले भी काम किया आपने? नहीं पहले भी किया है मैंने, एल्बम भी की हूँ भोजपुरी, हिंदी भी की हूँ और सीरियल भी करती हूँ। अभी ये मेरी सेकंड मूवी है। अच्छा आगे कुछ कर रही हैं आप इसके अलावा? आगे तो अभी नहीं, बस इसमें कर रहे हैं, आगे कुछ करेंगे वो पता नहीं है। पाजी को बुला लीजिए। सर हाँ जी सर, सर हम स्टिल भी मारते ना दो सर। बड़ा वाला हम लोग देंगे, बोल देंगे आप लोग। प्रभात लगा दो। अरे लाइट चालू कीजिए भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आपको प्रेरित किया फिल्म बनाने के लिए? निर्माता तो मैं नहीं हूँ, निर्माता के नाम लिखा हुआ है। प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को, प्रेजेंटर रहे हैं। तो प्रेजेंटर है और एक अच्छी पिक्चर आनी चाहिए जो पुलिसगिरी एक जो अच्छा सब्जेक्ट है उसमें समाज को लेकर जो पुलिसगिरी की है। बाकी स्टोरी तो आज से चालू हुई तो अभी तो नहीं बता। और फिल्म में जो लीड निभा रहे हैं राजू सिंह माही जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी भोजपुरी पिक्चर की है, पहले उन्होंने विलेन के रोल किए हैं, फिर अभी जो हमारी आली रविकिशन जी के साथ एक पिक्चर थी सबसे बड़ा चैंपियन, वो उसकी शूटिंग खत्म हुई है, एडिटिंग चल रही है और अभी उन्होंने एक नई पिक्चर अनाउंस की है आज ही जिसका मुहूर्त। तो आज के दौर में काफ़ी बड़ी बजट की फिल्में बन रही भोजपुरी फिल्में, तो ये कितना बड़ा एक अच्छा सुधार मान सकते हैं? आजकल बजट से कोई पिक्चर का मतलब सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी हिंदी पिक्चर भी अभी फ्लॉप हुई है और काफ़ी जो छोटी पिक्चरें हैं वो भी काफ़ी चली है। जैसे या भोजपुरी के अंदर भी वही हाल है कि जो बड़े बड़ी बजट की पिक्चर है हो सकता है शायद वो नहीं चले और छोटी पिक्चरें वो चलें, या आजकल सब्जेक्ट और कंटेंट पर डिपेंड। कोई आगे मत जाओ, इधर ही खड़े रहो, आगे मत जाओ, फैलिए ना थोड़ा जगह। राजीव सर क्या भाई आराम से फैल के फैल के सर कैमरा सामने। तुम्हारे पास बड़ा लेंस, लेंस बड़ा करके ऊपर उठा लो ना, तो बीच में इधर आ जाना। चलो 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 रेडी सर। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, निर्माण कर रहे हैं इसका क्या मैनिफेस्ट, क्या एक विषय बताइए राजू सर के बारे में, बताइए मुख्य अभिनेता के तौर पर इनको आपने कर लिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है और काफी खम्बे गाड़ चुके हैं, चड्डी बड्डी क्रिएशन से काफी सुनते चल रहा है राइट। तो हमने अभी लॉन्च किया है नया नया, थोड़ा यहाँ शायद मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है और डेफिनेटली और आगे अच्छा करेंगे और पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चड्डी बड्डी प्रोडक्शन का एक अच्छी शुरुआत है, इसमें राजू सिंह माही जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, राम
हमारे साथ काम कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और मैं चाहूँगा ये फिल्म अच्छा करे, लो बजट है बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क वेल इन द भोजपुरी इंडस्ट्री। बस ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म अच्छा करे और हमारे जो एक्टर है बस सब अच्छे से हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बारे में पहले तो आज के इवेंट के बारे में क्या था और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कितना ज़्यादा बड़ा आपके लिए प्रोजेक्ट है और कितना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होगा आगे चलकर? सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों को। और आज यहाँ मुंबई वर्ल्ड में पुलिस जीरो शूटिंग स्टार्ट हुई है जिसका आप देख रहे हैं कि इंडिया का हमर्स बजट और छोटी बड़ी से फिल्म हो रही है अनिल कावरा जी का, तो काफ़ी अच्छी कहानी इस पर लिखी गई है। और ये आज के समय में जो पिक्चरें बन रही हैं, जैसे भी आपने बॉर्डर देखा, संघर्ष देखा, ये भी कुछ हटके है, इसमें कोई लव ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। एक सामाजिक फिल्म जो बिहार सदी घटना में आधारित है कहानी, तो उस पर पुलिस गिरी, मतलब पुलिस का ज़्यादा दबदबा दिखाया गया है, तो उस टाइप की कहानी है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मेन किरदार में नजर आएंगे तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, क्योंकि सारा आकर्षण आपसे ही रहेगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको निभाऊँ भी। आज के दौर में आप देख ही रहे कि फिल्में हमारी अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, सब आ रही हैं, और हिंदी के भी काफ़ी दशा खराब है, तो कोशिश किया जा रहा है कि कुछ अच्छा करके सुधारा जाए इसको। तो विलेनस रोल करते हैं, मतलब नेगेटिव रोल करते हैं और ये मेन किरदार है, तो कितना बड़ा चुनौती होगा इसमें परिवर्तन आपके लिए? देखिए किरदार कोई भी हो चुनौती समय होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्टर डायरेक्टर कितना फर्क निभाएगा चाहे जैसा भी करें। और अभिनेत्री का बताइए, प्रियंका जी हैं और आयुष, प्रियंका पंडित जी हैं और आयुष तिवारी जी हैं मेरे साथ, जो कि उनका एक गाना हुआ अभी सेट पर चल रहा था। और कौन नजर आएंगे मेरे अलावा? बहुत नजर आएंगे जो अभी मीडिया को मैं शायद बरामदे को प्रेजेंट करती दूंगा तो आप लोग देखेंगे, काफ़ी लोग हैं इसमें, अमित शुक्ला, उमेश सिंह है, प्रेम दुबे हैं, काफ़ी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सारे मार्केट में। तो सर कब तक कहाँ कहाँ शूटिंग होगी, कब तक आने की उम्मीद है तुमको? ये फिल्म अप्रैल से मई तक में आएगा और ये इसकी शूटिंग मुंबई के विरार में, नाला सुबारा में, और विरार और फिल्म सिटी, फिल्म स्थान और मटके की जगहों पर पूरी की जाएगी। राजेश तिवारी जी, जैसे कि बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं जो विलेन पहले किए बाद में हीरो करें, उन्हीं की नक्शे कदम भोजपुरी में आप पहली बार जो विलेन करके फिर हीरो कर रहे हैं, ऐसा कैसे ख्याल आया कि आपको हीरो करना चाहिए पहले कि विलेन से? आपने देखिए एक्टर खाली एक्टिंग करता नुकसान होता है, वही इरफान खान को देखिए आप, नवाजुद्दीन को देखिए, विनोद खन्ना को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, सारे लोग नेगेटिव करते आए हैं बाद में पॉजिटिव हुए हैं। मेरा भी प्रयास हुआ कि मैं हर रोल अपना दमदार निभाऊँ। किरदार के लिए कुछ खुलासा करना चाहें जिससे पुलिस के बाद है? और किरदार बहुत ही दमदार और ये सच्ची घटना पर आधारित है तो काफ़ी मज़ा आएगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी कहानी में आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। आज जैसे आज फिल्म का मुहूर्त है और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, तो बताना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? बस यही कि इसके गाने चल रहे हैं, आज गाने प्रियंका पंडित हमारे हुए हैं और अभी हमारे गाने का शूटिंग चल ही रहा है, जब आप आए हो तो बस सामने ही है। कह सकते हैं फिल्म की शूटिंग समाप्त और दूसरी की शुरुआत ऐसा? हाँ, चैंपियन अभी जस्ट खत्म हुई है 20 दिन पहले, उसमें भी 2 दिन का काम अच्छा है लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा, बाकी नई शुरुआत है। चैंपियन में आप किस रूप में नज़र आएंगे? चैंपियन में रवि किचन जी हमारे बड़े भाई हैं, हम दोनों का काफ़ी अच्छी मूवी बनी है और रवि एक साथ एकदम एक अलग ही मज़ा रहा शूटिंग का, बहुत ही मज़ा आया। इस फिल्म में आपके साथ और कौन बड़े स्टार हैं? मेरे साथ सारे स्टार बड़े इसमें हैं, जो जितने भी मार्केट के अच्छे लोग हैं, अमित शुक्ला, उमेश सिंह, चंद्रकांत यादव, सोनू पांडे, गोपाल राय, रजत त्रिपाठी, अयाज खान, शायद मैं नाम भी नहीं ले पाऊँ, उतने लोग हैं इसमें, बहुत से मल्टी स्टार फिल्म होगी है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इसमें? बस कहना चाहेंगे कि एक बार जरूर देखिएगा और अच्छी बनाई जा रही है, क्योंकि बिहार बेस है तो बिहार की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को। आयुषी जी कैमरा लुक, कैमरा रुक लेते हैं। सही बात है, ठीक है जी। राजू जी एक और सिने तारिका साथ में हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी आयुषी तिवारी जी, और इनकी लगभग ये 5वीं या 6वीं फिल्म है भोजपुरी की, इन्होंने मेरे साथ भी जल्द चैंपियन किया है, मेरे फिल्म में ये सेकंड हीरोइन है और मिली है, बहुत ही चुटकुली और अच्छी लड़की है। अपना इस फिल्म में क्या कर रहे हैं आपके साथ? इस फिल्म में मेरी हीरोइन है और अभी तैयार होकर देखिए खड़ी है, बाकी आप पूछिए। हेलो हेलो एवरीवन, बताइए सबसे पहले अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताऊँ, हमेशा आप लोग तो मिलते ही रहते हैं और सब तो पता ही है आप लोगों को। अभी लास्ट टाइम मैंने एक सॉन्ग किया शो, उसके बाद ये मूवी कर रही हूँ और ये मूवी मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मूवी है। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत मज़ा आ रहा है, हमने आज गाना शूट किया और डिफरेंट स्टोरी। आरुषि, पुलिस वाले के साथ गाना शूट किया है आपने, डर लग रहा था?
नहीं डर तो नहीं लग रहा था, मज़ा आ रहा था, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि इस तरीके से पुलिस वाले के साथ सॉन्ग कर रही हूँ, तो लाइफ है यू नो एक अलग एक्सपीरियंस। किरदार बारे कुछ बताना चाहेंगे, कितना अलग हटके होगा इसमें? किरदार थोड़ा हटके है, चुलबुली कैरेक्टर है, बाहुबली के घर की चुलबुली है ये, जहाँ पे मेरा ज़्यादा दबदबा है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ज़्यादा बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, थिएटर में जाके देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर तो काबरा जी हैं और राजेश जी, देवेंद्र जी, और डायरेक्टर धीरज जी। जैसा कि जानते हैं आप लोग, धीरज जी बहुत ही अच्छे और काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो चैंपियन मूवी भी उन्होंने किया है, ये मूवी भी वही कर रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यू काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, एक अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है साथ में काम करने से। तो लेट्स सी, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोग अपना प्यार देते आ रहे हैं वैसे ही देते आइए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट भोजपुरी में थोड़ा सा चेंज आए, जो आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में, फैमिली के साथ जाने में मज़ा आए, ऐसा ना लगे कि फैमिली के साथ देखना शर्म का कुछ है ऐसा, इस तरीके से। राजू जी, ये पुलिस वाला क्या दादागिरी भी करेगा? जी हाँ, चूँकि जो गेटअप दिख रहा है आपको पीछे दिखिए, तो कुछ इस तरह का है ये, और उसको जगह ऐसा भेजा जा रहा है जहाँ पर उसको ऐसा बनना पड़ रहा है, तो एक दबंग पुलिस वाला है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, ये सारी पुल ही खुल जाएगी, मतलब बाकी दर्शक फिल्म में देखें। हाँ, बाकी फिल्म में देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। कुछ और ले लीजिए बाकी हमारे पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सबको प्रभात जी, थोड़ा पीछे हटिए, शर्मा जी। अरे कहाँ लेके जा रहा है प्रभात, खींच क्यों रहा है? अरे नहीं यार, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। कैमरा लीजिए, काम नहीं बोल रहा हूँ, बोले राइटर है, इससे बात कर लीजिए, है ना, घुमा दीजिएगा, चल रहा है यार, चलो यहाँ पे पता नहीं जी। जिस तरह से आपकी एक फिल्म का भी शूटिंग समाप्त हुआ, दूसरी फिल्म का आज मुहूर्त हो गया सेट पे, क्या कहना चाहें इस फिल्म को लेकर? पुलिस गिरी करवा रहे हैं आप राजू सिंह भाई जी से, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बाकी की बातें हमारे राइटर साहब बोलेंगे। क्या विजय जी, बोलिए अपने बारे में बताइए। सबसे पहले सारे चैनल्स को, मेरे तरफ से दर्शकों को, जो देखने वाले हैं उनको नमस्कार प्रणाम है, प्रणाम। बाकी बहुत खुशी की बात है, ख़ास करके मेरे लिए, कि आज इतनी बड़ी बैनर तले पुलिस गिरी मूवी का राइटर होने का सम्मान मिला है। मेरा नाम विजय साहनी है, और हमारे सर डायरेक्टर साहब धीरज ठाकुर जी, जो इतनी बड़ी फिल्म में मुझे एज राइटर के लिए बुलाए और मैं किया राइटिंग, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का राइटिंग इस बार मैं किया हूँ, दर्शकों को देखने के बाद खुद पता चलेगा कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में आनी चाहिए और तब्दीली होनी चाहिए जिसकी इंतजार। सही बात, इसकी कितनी अलग हट की स्टोरी, और इसके लिए आपको कितना अलग एक्सपीरियंस करना पड़ा, डायरेक्टर साहब कितना सपोर्ट है बिल्लिया के बीच में? एक्चुअली डायरेक्टर साहब का जो इसमें सपोर्ट है, मुझे लगता है कि जितना कहूँ कम है, बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट रहा है, और मैं भी अपना जितना हो सके बेहतर करने की काफ़ी कोशिश किया हूँ, और उस तरह से होकर के बहुत बेहतरीन फिल्म की स्टोरी बनी है। और फिल्म की स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि अभी ट्विस्ट रखना है इसमें, कि एक बेहतरीन चीज़ जब पर्दे पर लोग देखें तो वो चीज़ें उनको लगे कि हाँ ये होना चाहिए था। प्रभात शर्मा, कितनी रियल स्टोरी है या मनगढ़ंत? रियल है यार, फिल्म तो रियल स्टोरी पर रिलेटेड है, और कुछ चीज़ें जो फिल्मों के लिए होती है मनगठन, तो थोड़ा सा होना चाहिए, वो है। सर का बाहुबली का रूप अपने बारे में बताइए, और भोजपुरी के सभी दर्शकों का और मीडिया के सभी लोगों का। मैं चंद्रकांत, और आप लोग देख रहे हैं कि राजू भैया की सबसे बेहतरीन फिल्म आ रही है पुलिस की, और सब्जेक्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये बाद में आप लोगों को पता चलेगा, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास आप लोगों के पीछे वाले को, ये सब्जेक्ट अपनी माटी की याद दिला देगा, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, और जो भोजपुरी की फिल्में जिस टाइप की दर्शक मांग करती है, एक बार उनको याद तो दिलाई देगा कि हाँ कोई फिल्म बनी थी जिसका नाम था पुलिस गिरी।
सब्जेक्ट तो काफ़ी इस पर बन चुके हैं, पुलिस गिरी के टाइटल में हिंदी साउथ सब में बने हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, मैं इस फिल्म के चक्कर में दो तीन फिल्म, जब से मैं कॉन्सेप्ट इसका सुना हूँ, कहानी सुना हूँ, अभी मैं कल एक फिल्म छोड़ चुका, मैं कहा भैया नहीं मुझे पुलिस गिरी करना है, तब इससे ज़्यादा क्या बात है। थैंक यू, एक नंबर हो जाएगा। आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले तमाम श्रोता को मेरी तरफ से नमस्कार, मैं नरमुंडा स्वामी, भोजपुरी फिल्म का एक्टर, और रामचंद्र भैया को भी नमस्ते, और इस टीम पुलिसगिरी की सभी कलाकार को नमस्ते। बहुत अच्छी फिल्म है ये पुलिसगिरी, और मैं आप सब को एक संदेश देना चाहूँगा कि नारी की सुरक्षा, समाज के कल्याण, ना घूमी को न अपराधी फिरी, कहे कि पूरे हिंदुस्तान में चलता पुलिसगिरी। थैंक यू, और आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस रहने दीजिए, इधर भी नहीं समझ रहे हम, बहुत गुस्से भैया, इधर भी बोले। अच्छा पंकज जी करना है, वहां देंगे तब आएगा ना। कोई नहीं, कोई पीछे मेरी बोली नहीं बोली पीछे कुछ कैश अमाउंट की बातें कर रही थी, सब लोग जदमी तो बोल गए। शुरुआत किया जाए रोल। ये प्रियंका जी बात करें, आज पुलिस गिरी के शुभ मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आज हमारे फिल्म का मुहूर्त है, इसका नाम है पुलिस गिरी, और इसके डायरेक्टर हैं धीरज ठाकुर जी, और हीरो हैं अफकोर्स आप देख रहे हैं राजू सिंह माही जी, मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, थैंक्स टू धीरज जी, राजू जी, एंड ऑफ कोर्स अनिल काबरा जी, कि इन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। पूरी टीम को क्या शुभकामना देना चाहिए? अभी तो पहले तो मुहूर्त कर दिया है, अब नेक्स्ट हम 15 से फिर कंटिन्यू शूट चलेगा, और बहुत अच्छे गाने हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, आई होप सो हम एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म लेके आएंगे हमारी ऑडियंस के बीच में। इसी नाम से एक फिल्म आई थी प्रियंका जी, इसी नाम से फिल्म आई थी संजय दत्त साहब की, हाँ, पुलिस गिरी नाम, हाँ, से हाँ, प्रकाश राज साहब जिसमें खलनायक थे, हाँ, और इसी तरह का बहुत हद तक उनका लुक भी था, राजू भाई ने जिस तरह से बटन खोली है, तो कुछ संजय दत्त वाली झलक नजर आ रही है राजू सिंह माही में। जी आप बिल्कुल बोल सकते हैं, संजय दत्त इज बैक, संजय दत्त इज बैक। प्रियंका जी तो बहुत ही अच्छी लेडी है, मैं तो इनसे पहली बार काम कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इतना नज़दीक से उनसे बूम पहली बार मिले, बाकी तो हाई हेलो होती थी, लेकिन बहुत ही अच्छी सपोर्टिव भी है, और इनका तो टिकटॉक और यूट्यूब पे भी जवाब नहीं, क्या बोलूँ, आप लोग जानते हैं टिकटॉक पे थर्ड नंबर पे है, मैं चेक करते रहता हूँ टिकटॉक, हाँ इनका नहीं, यूट्यूब पे भी काफी ऊपर है, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे रहती हूँ, ट्रेंडिंग आई होप सो इसके बाद आप लोग का न्यूज़ चल जाएगा, थोड़े बहुत तो व्यूज आ ही जाएंगे। अब बेसिकली पुलिस गिरी के बारे में हम जैसे संजय दत्त साहब के बात कर रहे थे, आपने वो फिल्म देखी होगी, मैंने भी देखी थी, मुझे बड़ा पसंद आया था, रुद्रा नाम होता है उसमें बेसिकली, और इस फिल्म में भी रुद्रा ही है, रुद्र प्रताप सिंह। तो अब दोनों फिल्मों में सिमिलैरिटी कुछ है? नहीं, कहानी बिल्कुल अलग है, सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी मोड़ी है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है, जैसे गेटअप आप देख रहे हैं संजय दत्त जी का था, या मैं जैसा दिख रहा हूँ, या मैं नहीं बोलूँगा कि उनके जैसा हूँ, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है और काफ़ी मजा आएगा। आप फैन हो राजू भाई संजय दत्त के? बहुत पहले से हूँ। कौन फैन नहीं है, कौन नहीं उनका फैन जी, आप बताइए। संजय दत्त ने दो तरह के किरदार किए, पुलिस कॉप किया, तो साथ ही साथ गैंगस्टर भी किया, डॉन भी किया, रघु जैसे फिल्म वास्तव में किए, कौन सा आपको लगता है कि रोल सबसे बेहतर रहा होगा संजय दत्त के लिए? उनका तो हर में अच्छा था, वास्तव में चाहे अपना खलनायक में चाहे इसमें भी, अपना भी कुछ ऐसा ही, मुन्ना भाई एमबीबीएस भी तो थी ना, वो भी थी लेकिन अच्छी थी, लेकिन राजू भाई कॉमेडी फिल्में नहीं करते हैं? नहीं, आगे तैयारी है सर। अच्छा, हाँ एक्शन करते हैं बेसिकली, एक्शन कॉमिक सारी फिल्में की जाएगी, टेट चेंज हो रहा है। अच्छा, हाँ अभी नए लोग अभी हैं, चांसेस हैं और भी अच्छे, टेट चेंज हो रहा है, देखिए फिल्मों का भी तो बना जाएगा।
प्रियंका जी, नए नए जैसा आपने कहा कि नए लोग भी आ रहे हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कंपटीशन कुछ बढ़ गया है इंडस्ट्री में या फिर? नहीं, कंपटीशन नहीं कह सकते क्योंकि हम सुपरस्टार को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से एक अच्छी बेहतरीन फिल्म लेके आए जो लीक से थोड़ा सा हटके हो और ऑडियंस का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एटलीस्ट हम उन्हें कुछ और दे सके ठाकुर और एटलीस्ट इन सब के अलावा। आपको लग रहा है पुलिसगिरी के जरिए हम कुछ और देने की कोशिश कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम एक तो हमारे जो डायरेक्टर हैं धीरज ठाकुर जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, क्योंकि हमने आज गाना किया है, जो भी है तुम पता चलता है उन्हें कितना अच्छा नॉलेज है। राजू जी हैं, एक बहुत अच्छी टीम हम लोगों ने तैयार की है, तो एक बहुत ही बेहतरीन तो बेहतरीन रिजल्ट तो आ ही जाएगा इस फिल्म का। राजू भाई, फिल्म में खलनायक कौन होगा? मैंने अभी बहुत से नाम लिए हैं तो बहुत लोग ही रहेंगे, बहुत सारे खलनायक होंगे जी, मतलब बहुत सारा मारपीट भी देखने को मिलेगा जी, पूरी एक्शन मूवी। राजू भाई, वैसे जो पुलिसगिरी है, ये आपको कब तक अंदाजा है कि कब तक पूरी हो जाएगी और रिलीज हो पाएगी? पिक्चर तो इसी मंथ में पूरी हो जाएगी और रिलीज का मेरे ख्याल से अप्रैल से मई तक में होनी चाहिए, अप्रैल और मई तक 2019 में हमें फिल्म देख पाएंगे। प्रियंका जी, वैसे और कौन कौन सी फिल्में हैं फ्लोर पे जो आपकी चल रही हैं या पूरी हो गई हैं? जी, अभी तो मैं काफ़ी टाइम के बाद ये फिल्म कर रही हूँ। पहले एक फिल्म किया था, अभी मैंने मनोज पांडे के साथ घर आजा परदेसी मैंने किया है, बद्रीनाथ कम्प्लीट किया, रैम्बो राजा मैंने कम्प्लीट कर लिया है, अभी देखो एक दो फिल्में और हैं, होप सो। राजू भाई, आपकी जरा बात फिल्मों के बारे में बताएं, आपकी चैंपियन पूरी हो चुकी है? जी हाँ, चैंपियन पूरी हो गई, पुलिसगिरी चालू हो गई और एक फरवरी में भी है, इसका टाइटल भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, वो भी जल्द आप लोगों को बताऊंगा। प्रियंका जी, कुछ ऑडियंस से कहना चाहती हैं? आप भी बोलती हैं ऑडियंस से, बट टिकटॉक देखिए, जो मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखें, यहाँ तक लाए हैं, उम्मीद करती हूँ आगे भी लेके जाएंगे। थैंक यू राजू भाई, आप कुछ कहना? मेरा भी सेम है, थैंक यू, ये बोली थैंक यू, जो हमसे प्यार करते हैं। थैंक यू। अरे नहीं, हम लोग नहीं आना है।